أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. कायदा की तख्ती नंबर चार का हमारा सबक चल रहा है और गुज़त सबक में मैंने आप हजरात की ख़िदमत में दांतों के नाम और उसके साथ साथ ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम ज़िक्र किए थे क्योंकि इस तख्ती का की जो तरतीब है वो मखारज के अतबार से है और मैंने गुजत सबक के अंदर भी ये बात अर्ज की थी कि मखारज की तरतीब तरतीब सऊदी है नीचे से ऊपर की तरफ जाना नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना तो मखारज भी हलक से शुरू होते हैं और होटों पर और पुरुष उसके बाद जाकर नाक के बाँसे पर ख़त्म होते हैं इसलिए इस तरतीब को तरतीब सऊदी कहा जाता है अगर आप हाथ की इशारे से समझें तो यूँ मखारज की तरतीब यूं है यूँ हम नीचे से चलेंगे और ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ होंटों पर आकर हमारे मखारज खत्म होंगे इस तख्ती के अंदर पंद्रह मखारज बयान किए गए हैं और उसके बाद सोलवा मखरज जो सबसे पहला मखरज है मखरज नंबर एक जौफ दहन जौफ का माना खला खाली हिस्सा और दहन का माना मुंह, जौ दहन का माना मुंह के अंदर का खाली हिस्सा इससे तीन हरूफ अदा होते हैं अलिफ मद्दा वो मद्दा और या मद्दा इन तीनों हरूफ को हरूफ मद्दा कहा जाता है मखर नंबर दो अक्सा हलक हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है इससे दो हरूफ अदा होते हैं हमज़ा और हा मखराज नंबर तीन वस्त हल्क़ हलक का दरमियान वाला हिस्सा इससे दो हरूफ़ अदा होते हैं आइन और हा मखराज नंबर चार नल्क़ हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है इससे दो हरूफ अदा होते हैं गैन और ख़ इन छः हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है हमजा ह आइन ये हलक के तीन हिस्से किए गए हैं एक नीचे वाला हिस्सा जिसको अक्सा हल़़ कहा जाता है एक दरमियान वाला हिस्सा जिसे वस्ते हल़ कहा जाता है और एक ऊपर वाला हिस्सा इसको अदना हल़़ कहा जाता है और हाथ के ज़रिए से समझें तो ये नीचे वाला हिस्सा इसको अक्सा हल़ दरमियान वाला हिस्सा इसको वस्ते हल़ और ये ऊपर वाला हिस्सा इसको अजन हल कहा जाता है मखरन नंबर पांच जुबान की जड़ और उसके मुकाबल ऊपर का तालू मुंह के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको तालू कहा जाता है और जुबान की जड़ मिसाल के तौर पर हमारी ये जुबान है इसकी जो जड़ है ये जब ऊपर के तालू से टकराती है जहां पर एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा और टुकड़ा लटक रहा होता है इससे काफ़ अदा होता है और जुबान की जड़ का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है यानी काफ़ के मखरज से थोड़ा सा हटकर मुंह की तरफ काफ़ का मखरज ज़ुबान की जड़ और उसके मुकाबल ऊपर का तालु इसी तरह मखरज नंबर पाँच काफ़ के मखरज के मुतसिल जुबान की जड़ और उसके मुकाबले ऊपर का तालु का इससे काफ अदा होता है इन दोनों हरूफ को हरूफ लहातिया कहा जाता है काफ़ और काफ मखर नंबर सात वस्ते ज़ुबान और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु ज़ुबान का बीच और उसके मुकाबल ऊपर का तालु इससे जीम शीन और या गैर मद्दा अदा होती हैं या गैर मद्दा में या मतहरक और या लीन क्योंकि या मद्दा का मखरज जौ दहन मखरज नंबर एक है तो वस्त ज़ुबान और उसके मुबिल ऊपर का तालु इससे जीम शीन या मुतहरक और या ए लीन यानी या गैर मददादा होते हैं मखरा नंबर आठ हाफा लिसान और ऊपर की पाँच दाढ़ें मैंने कल के सबक में आपकी खिदमत में ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से पेश किए थे उनमें में हाफ़ा ज़ुबान का वो बगली किनारा ज़ुबान की वो करवट जो पाँच दाढ़ों के मुकाबले में आती है नवाजिज तोाहिन और ववाहिक तो जब ज़ुबान का ये किनारा इन पाँच दाढ़ों से टकराता है तो इससे वाद अदा होता है और मैंने गुज्त एक सबक के अंदर भी हरूफ़ के मखारिज पहचानने का हरूफ का म... सही मखरज कौन सा है किसी भी हरफ का मखरज पहचानने का एक तरीक़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था मैं दोबारा वो तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जिस किसी हरफ का भी आप मखरज पहचानना चाहते हैं उस हरफ को साकिन करें और उसके पीछे हमजा मुतहरक लगाएं और फिर उस हरफ को अदा करें जहाँ पर उस हरफ की आवाज़ बंद होगी वह उस हरफ का मखरज होगा मिसाल के तौर पर वाद है आप वाद का मखरज पहचानना चाहते हैं मालूम करना चाहते हैं आपने वाद का मखरज पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं है तो उसकी पहचान का आसान तरीका ये है आप वाद को साकिन करें और उसके पीछे हमजा मुतहरक लगाएँ अद अव... 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 वाद। और अगर आप ज़ुबान को दाड़ों के साथ नहीं टकराएंगे तो आपका यह हरफ सही अदा नहीं होगा मिसाल के तौर पर वाद। वाद। ये ज़ुबान का किनारा मैं सामने के दांतों से टकरा रहा हूँ सनाया उलिया के साथ टकरा रहा हूँ तो इससे वाद की आवाज़ सही तौर पर अदा नहीं हो रही वाद अद और फिर इस हरफ में इस हरफ़ की अदायगी में ऊपर की दाढ़ों को ताल्लुक है वो दाढ़े दाई तरफ से भी अदा की जा सकती हैं यानी इस हरफ को अदा करते हुए ज़ुबान का किनारा दाई तरफ से लगाएँ फिर भी ये हरफ अदा हो जाएगा और अगर बाई तरफ़ से आप इसको लगाएंगे ये हड़फ फिर भी अदा होगा और अगर बैक वक़्त आप ज़ुबान का दाई तरफ़ वाला किनारा दाई दाढ़ों के साथ और बाई तरफ वाला किनारा बाई दाढ़ों के के साथ आप टकराएंगे तो इससे भी यह हरफ अदा होता है तो मैंने आप हजरात की खदमत में आज के सबक में हरूफ के आठ मखारज बयान किए हैं दोबारा उनका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मखराज नंबर एक जौफ दहन जौफ़ का माना खला दाहन का माना मुँह जौ दाहन का माना मुँह के अंदर का खाली हिस्सा इससे रूफ मद्दा अलिफ वो और या अदा होते हैं मखरज नंबर दो अकसा हलक हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है इससे हमजा और हा अदा होते हैं मखराज नंबर तीन वसते हलत हलक का वो हिस्सा जो दरमियान में है हलक का दरमियान वाला हिस्सा इससे आन और ख़ अदा होते हैं मखरा नंबर चार अदना हलक हलक का वो हिस्सा जो मुँह की तरफ है इससे दो हरूफ अदा होते हैं ईन और खा। मखरा नंबर पाँच ज़ुबान की जड़ और उसके मुकाबल ऊपर का तालु इससे खौफ अदा होता है मखरा नंबर छः खौफ के मखरज के मुतसल जुबान की जड़ और उसके मुकाबल ऊपर का तालु इससे काफ अदा होता है वस्ती ज़ुबान और उसके मुका ऊपर का तालु इससे तीन हरूफ अदा होते हैं जीम शीन और याए गैर मद्दा इन तीन हरूफ को हरूफ शजरिया कहा जाता है मखर नंबर आठ हाफा लिसान और ऊपर की पाँच दाढ़ें इससे गौ अदा होता है और इस हरफ को हरफ हाफ़िया कहते हैं गुजत असबाक की तरह मैं आप हजरात की खिदमत में सूरत ल्लाह की इब्तदाई आयात की तिलावत पेश करता हूँ और आप हजरात से गुजारिश है कि पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आप आपूफ के मखारज के ऊपर तोज्जो दें और फिर जो उसका मैंने तरीक़ा आपकी खिदमत में पे पेश किया कि हरफ को साकिन करके उसके पीछे हमजा मुतहरक लगाएँ और जहाँ पर वो आवाज़ ख़त्म होगी वो उस हरफ का मखरज होगा اسك مُطابِقُ حروف كي کی, مخارج كي کی, کی مشق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ان آيات کی تلاوت من बा है इस बा के ऊपर कलकला होता है तबत तब, तब तब ये कलकला है तबत तब यदा मुंह मुँह ऊपर की तरफ़ खोलना है अबी हमज़ा है अबी और या मारूफ अदा करनी है मजहूल नहीं करनी और आखिर में व तब इस बा के ऊपर कलकला है और फिर इसमें क्योंकि बाकी की अदायगी में होटों को ताल्लुक़ है इसलिए उमूमी तौर के ऊपर इस हरफ़ को अदा करते हुए बसाओकात होंट सख्ती के साथ आपस में मिलाए जाते हैं बा बा ये बहुत सख्त नहीं करना और इसी तरह दूसरी आयत में मा मरूफ़ ऊपर की तरफ मुंह खल खोल कर मैं इस तरह नहीं है इमाला की तरफ नहीं जाना और ना इसके अंदर भी इसी तरह है मा और इसी तरह व माँ इसके अंदर भी इसी तरह है और इसी तरह कसब कसब के अंदर भी बा के ऊपर आखिर में कलकला है और होंटों को नरमी के साथ मिलाना है इसके अंदर ज़्यादा सख्ती के साथ होंटों को आपस में नहीं मिलाना तब يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب صدق الله العظيم